बोतल में आउट नहीं हुई, तू क्या आउट करेगा? नो बॉल। पर मम्मी जी हम बॉल से तो खेल ही नहीं रहे। जब बॉल है ही नहीं तो नो बॉल ना, फिर से फेंक। ये क्या कर रहे तुम लोग? कढ़ाई में से पकौड़े डाल रहे हैं। मैं तुझे देख नहीं रहा कि हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। बैडमिंटन नहीं होता, बैडमिंटन होता है। बैडमिंटन बिट्टू नाम से कुछ नहीं होता, खेल अच्छे से आना चाहिए। क्यों जी? हाँ, तुझे पता है मम्मी जी 99 पे भी नॉट आउट है। अच्छा, स्कोर भी उम्र के हिसाब से। पर ये तुम लोग बैडमिंटन खेल क्यों रहे हो आज? ये हम इसलिए खेल रहे हैं ताकि आपको भी इस खेल के बारे में थोड़ा कुछ पता चले। अच्छा। अपना मुंह तेरा वॉलीबॉल जैसा, तू मुझे बताएगा बैडमिंटन क्या होता है? चल ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। दरअसल क्या ना, थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत हंगामा होने वाला है क्योंकि देश की नंबर वन प्लेयर साइना नेहवाल आने वाली है। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा? वो जलेबियां नहीं लेकर आई, मजा आ जाएगा। आपको बैडमिंटन के बारे में कुछ पता भी है? ये देखो, ये चिड़िया होती है, इसको अंग्रेजी में शटल कहते हैं। ये कबूतर के पंखों से बनती है। शुक्र कर तेरा मुंह गिद्ध जैसा, अगर कबूतर जैसा होता ना तो तेरी बनती है। साहब जी, आपको मेरे मुंह से कुछ ज्यादा प्यार नहीं है? क्या करूं, तेरा मुंह है ही ऐसा। ध्यान से देखो, उसका मुंह ऐसा लगता है जैसे किसी ने भटूरे बनाने के लिए आटा गूंद के रखा हो। अच्छा, जितना ध्यान आप मेरे मुंह की तरफ देते हो ना, इतना कहीं मालकिन के मुंह की तरफ दिया जाता ना, तो आप तक तीन चार छोटे छोटे मुंह इधर उधर घूम रहे होते। ओए, बकवास ना करो तुम लोग। बिट्टू, मुझे एक आइडिया आया है। मैं भी कुंवारी हूँ और साइना भी कुंवारी है, तो उसका स्वागत मैं करूंगी। है बुआ, कुंवारा होना तेरी अचीवमेंट नहीं, तेरी मजबूरी है। पर अपना कंपैरिजन साइना के साथ बिल्कुल मत करना, अपना कंपैरिजन सिलाई मशीन के साथ किया कर। तुम दोनों इतनी पुरानी हो फिर भी कहीं ना कहीं दिख जाती हो। अच्छा बाबा, उसके आने की तैयारी मैं करती हूँ बस। उसके आने की छोड़, अपने जाने की तैयारी कर, चल भाग यहाँ से। साहब जी, इशारा मैं समझ गया हूँ, मतलब साइना का वेलकम मैंने करना है ना। तेरा गुड बाय जैसा मुंह, तू उसको वेलकम करेगा? मैं करूंगा उसका वेलकम। सबके सब अंदर भागो, खबरदार कोई बाहर आए तो। बदतमीज लोग। स्पोर्ट्स की नॉलेज है कोई नहीं, साइना नेहवाल का वेलकम करेंगे। बेवकूफ के बच्चे, बेवकूफ की दादी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछने क्या जरूरत है मैडम, मैं खुद ही बता रहा हूँ, आई एम सिंगल। व्हाट? आई मीन आई एम कपिल। आपने पहले कहा कि आप सिंगल हो, अब आप बोल रहे हो मैं कपल हूँ? अंग्रेजी आपकी भी ठीक ठाक है मेरी तरह वैसे। आई थिंक वी विल मेक ए गुड कपल। मैंने कपल नहीं बोला, मैंने कपिल बोला मैडम। वैसे आप क्या पूछ रही थी? वो मैं पूछ रही थी कि अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किधर पड़ेगा? जिधर पड़ता है उधर ही पड़ेगा, हमारे कहने पे थोड़ी ना पड़ेगा वो। आ देख लो, आजकल तो जमाना ऐसा आ गया, हमारे कहने बच्चे नहीं पढ़ते तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ेगा? नहीं, वो वाला पड़ेगा नहीं, पड़ेगा मतलब किस डायरेक्शन, किस तरफ पड़ेगा। अच्छा, किस तरफ पढ़ना है आप बताइए, आपको किस तरफ पढ़वाना, उस तरफ पढ़वा देते हैं। उसमें क्या मेरे कहने से शिफ्ट हो जाएगा क्या? अरे मैडम, आपके कहने से क्या शिफ्ट नहीं होगा, मेरे को बताओ। अभी मैं आपके चक्कर में ये ले, मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, पता थोड़ी चलता है टाइम का, आप बताइए। एक्सक्यूज मी, अगर आपसे कोई भूले भटके रास्ता पूछेगा तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसे फ्लर्ट करने लगेंगे? क्या बात कर रही मैडम, फ्लर्ट कर रहा हूँ? अब किससे पूछ लो, मैं कभी फ्लर्ट करता नहीं, मेरे को सीधा सच्चा प्यार होता है। What? अच्छा वैसे ये मेरे को बड़ा पसंद है, ये कैरम बोर्ड, क्या टेनिस। आई लव दिस टेनिस, मतलब सानिया मिर्जा क्या खूबसूरत लगती टेनिस खेलते हुए। वैसे आप टेनिस सीख के क्या करेंगी? मैं ना पहले नेशनल खेलूंगी, फिर इंटरनेशनल खेलूंगी, और फिर एक अच्छे से लड़के को देखकर उसे शादी कर लूंगी। ये सब तामझाम करके करनी तो शादी तो सीधा करो ना, वाया घूम के क्यों आ रही हो आप? सीधा। हो गया आपका, अब आप मुझे डायरेक्शन बताएंगे? आप इतनी एक्साइटेड क्यों हैं टेनिस के लिए? मैं ना अपना नाम बड़ा देखना चाहती हूँ, बड़ा। बड़ा नाम करना ना आपको, तो कोई लड़का ऐसा ढूंढो जिसका सरनेम बड़ा हो, जैसे मैं शर्मा स्वामी चिंडा स्वामी वेंकटरमण कट्टा पुली तिरुवनंतपुरम। अरे अरे अरे, मेरे पास ये सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं लेट हो रही हूँ, मेरा कोच वहाँ वेट कर रहा है। वेट कराओ आप, आपका बनता है, आपका तो वेट है नहीं, उनको तो करवाओ।
वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम ऑल्सो टेनिस कोच इंटरनेशनल, वो भी मारिया शारापोवा का नाम सुना आपने? मारिया शारापोवा? हाँ, मेरी सगी जेठानी है, मेरी स्टूडेंट है। वाओ, रियली? आपने उनको सिखाया है? मैंने सिखाया है, मैं बताता नहीं हूँ तो मीडिया वाले बड़ा घेर लेते हैं। तो सुनिए ना, मुझे भी सिखाइए ना। मेरा ना एक्चुअली ये बैक हैंड ना ये कि बहुत वीक है। बैक हैंड वीक है, दिखाइए। ठीक तो है बैक। लड़कियों का देखिए, लड़कियों का क्या होता है, लड़कियों के हाथ ऐसे अच्छे लगते हैं, पतले पतले, बैक हैंड वीकी वीकी अच्छे लगते हैं। बड़े हाथ करके का ट्रक चलाना आपने? सच में? हाँ? तो फिर प्लीज भी सिखाइए ना। सिखाइए, देखिए टेनिस में क्या होता है, सबसे पहले तो 11 खिलाड़ी जरूरी होते हैं। टेनिस में तो 2 खिलाड़ी होते हैं? 2 तो वो खेल रहे होते ना। हाँ? तो 9 बाहर भी तो बैठे रहते हैं। जिनकी बैटिंग नहीं होती। अरे ये सब तो क्रिकेट में होता है, टेनिस में थोड़ी ना होता है। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, आप तो हाँ। बात ही नहीं सुन रही मेरी। आपको मेरी वैसे किस निकल रही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 लड़के अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो 9 लड़के बाहर हैं। अगर 2 लड़कियां आपके जैसे खेलेंगी तो लड़के तो 15-16 हजार होंगे ना बाहर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने सच में मारिया शारापोवा को टेनिस खेलना सिखाया? अरे शारापोवा क्या, दीपिका पादुकोण को मैंने सिखाया उसको। दीपिका? वो तो बैडमिंटन खेलती है। खेलती है बैडमिंटन ना? हाँ। वही तो, बताती किसी को नहीं सीखा उसने टेनिस भी हुआ है। जैसे उसने कभी मेरे और उसके बारे में कभी किसी को बताया? नहीं बताती, वो गुन्नी है। ओह गॉड, आई एम सो श्योर आपने जिंदगी में कभी रैकेट नहीं पकड़ा है। क्या बात कर रही है मैडम, हमारे घर के पीछे नाला है, जब तक हम रैकेट ना पकड़े हम सो ही नहीं सकते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतने मच्छर आते हैं रात को, वो हैंडल पे रखना पड़ता है। गलत आदमी से डायरेक्शन पूछ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे गलत आदमी से आपने बिल्कुल सही ड्रेस पूछा मैडम। आपको एक तो भागने की बड़ी जल्दी रहती है, लड़कियां पता नहीं क्यों भाग जाती हैं। मेरे साथ तो कोई भागी नहीं आज तक, और वहां जाएंगी आप, कोच को पैसे देंगी, ठीक है आपको सीखने के लिए। मैं आपको फ्री में सिखा सकता हूँ। हाँ बात तो सही है, तो कुछ प्रैक्टिकल सिखाइए ना, बात ही करते रहते हैं आप। बात बताइए, फ्री में इतनी जल्दी मान क्यों जाती है लड़कियां? मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए ये सब कुछ जो है इमोशन का गेम है। नहीं, क्या दूसरा वर्ड, कंसंट्रेशन का गेम है। आपको रैकेट पकड़ना है ऐसे, देखिए आप रैकेट पकड़िए सॉफ्ट, ऐसे पकड़िए जैसे आपने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ, ठीक है। रैकेट ऐसे पकड़ना है आपने, बस ऐसे आंखें बंद कर लीजिए, हल्की सी, अभी बॉल आई नहीं है, ठीक है। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे तो मुझे किसी कोच ने नहीं सिखाया। वो सब अच्छे घर के होंगे ना। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये सब मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। देखिए जो ठीक वाली बात आपने बोली ना, ये ठीक एकदम से ठीक नहीं लगता, ये पहले ठीक ठीक लगता है। हाँ। फिर जैसे मेरे को ठीक लग रहा है। हाँ। मेरे को तो बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है। हाँ। आपको भी धीरे धीरे ठीक लगेगा, फिर ठीक ठीक करके ठीक ठाक हो जाएगा सब। क्या बकवास है ये, क्या बकवास है, मुझे नहीं सीखनी आपसे टेनिस वेनिस, मैं जा रही हूँ। अरे यार फिर जा रही, जाने की बड़ी जल्दी आपको। बगल में सिनेमा घर है, थोड़ी एक आध पिक्चर देख ले, 2-2.5 मिनट। एक्सक्यूज मी, पिक्चर मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती हूँ। ओह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ऑफ कोर्स, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती बॉयफ्रेंड के होते हुए एक अनजान आदमी से रास्ता पूछती हो? अरे 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 अरे, कमाल कर रहे हैं आप। कमाल तो हम कर ही रहे हैं, सबको पता है, अपनी बात करो, तुम झूठी कहेगी। तमीज से बात कीजिए आप, क्या कह रहे हैं? तमीज से क्या बात करूं मैं आपको, आपको नहीं शर्म आती? इतनी सेक्सी लग रही है और आपने पहले से बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। तेरी ये कैसे मजाल हुई? क्या रही मजाल, क्या हुई, इतने अच्छे घुटने लग रहे हैं, आप हमें ऐसे बोल रही हैं? आपको पता नहीं है कि मैं हूँ कौन? अरे कौन है, आप सेक्सी लड़की हैं और क्या है? मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस कमिश्नर है। किधर है जीजा जी की पोस्टिंग? जिधर भी होगी 5 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। कहाँ है मेरा? ये मेरी बात सुनिए, एक मिनट, फोन तो आ जाएगा। देखिए आप मेरी बड़ी बहन की तरह, आप ऐसे कैसे भेजते हो? बड़ी बहन? छोटी बहन, मेरी बच्ची हैं आप। हम देखिए घर में भाई बहन लड़ाई होती तो बहन का भाई को जेल करवा देती है। आ भाई ना लाइन पे, आइंदा से किसी लड़की को छेड़ना मत। नहीं नहीं ठीक है, कभी कभी दिन नहीं होता पाजी, इट्स ओके। खैर हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, ये लड़कियां उनके डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैं डरता वरता नहीं पुलिस कमिश्नर से, वो तो मेरी घबराहट थी। एनीवेज मेरे घर वालों को लगता है मुझे बैडमिंटन के बारे में पता ही कुछ नहीं है। क्यों? मैं आपको सही बताऊं,
मुझे जैसे पता चला ना साइना यहाँ पे आने वाली है, हाँ, मैंने फटाफट बैडमिंटन सारा सीख लिया है। मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। अच्छा? 7 दिन में बैडमिंटन सीखे। वाह, अभी देखना मैं साइना को कैसे इंप्रेस करता हूँ। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंडियन बैडमिंटन का झंडा पूरे विश्व में गाड़ने वाली साइना। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइना जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है और ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये पहली इंडियन प्लेयर है, इस बात के लिए जोरदार तालियां। देखो गुरु, लाखों नगीने हैं बेशकीमत पास हिंदुस्तान के, फक्र से देश का नाम जिन्होंने लिखा है कामयाबी के आसमान पे। मैं सल्यूट करता हूं साइना नेहवाल जैसी रणधीर रणभट्ट वीरांगनाओं को जिनकी वजह से फहराता है हमारा तिरंगा पूरे विश्व में आन बान और शान से। अरे वाह, परी, टॉकिंग अबाउट बैडमिंटन, ये 2 या 4 लोगों का खेल होता है और इसमें आपने शटल को नेट के ऊपर से गिरा के सामने ओपोनेंट के कोर्ट में गिराना होता है। और हमारे इंडिया में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हुए हैं, जैसे पुलेला गोपीचंद, अपर्णा पोपट और दीपिका पादुकोण, प्रकाश पादुकोण, सॉरी मेरे मुंह से वही निकलता रहता है। तो मुझे सारा पता है एक्चुअली। ना, इजी गेम है बैडमिंटन। बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। जी, ओलंपिक्स तो देखा ही होगा आपने। हाँ जी, बिल्कुल। क्वार्टर्स में मैंने किसको हराया था? अरे बड़ा इजी सवाल है, जो आपके सामने खेल रही थी उसको। हराया इन्होंने है ना, तो नाम इनका होना चाहिए, उनका नाम हम याद क्यों रखे। देखिए दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप पहले ये बताइए कि आपको किस उम्र में ये आभास हुआ कि आप बैडमिंटन प्लेयर बन सकती हैं? एक्चुअली मैं बनना ही नहीं चाहती थी बैडमिंटन प्लेयर। तो क्या बनना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि पापा साइंटिस्ट हैं। अच्छा, तो अरे वाह, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साइना के पापा भी यहाँ पे हैं। वाह वाह, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी साइना ने बताया कि आप साइंटिस्ट हैं। सर आपकी और खोजों के बारे में मुझे पता नहीं, ये खोज बड़ी अच्छी है। तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी जी। तो ये पापा की जबरदस्ती थी कि आप बैडमिंटन ज्वाइन करें? दोनों, मम्मी पापा दोनों की, क्योंकि दोनों खेलते भी थे। तो मम्मी ने कहा कि तू मेरे लिए ओलंपिक मेडलिस्ट है और तुझे ओलंपिक मेडल जरूर मिलेगा। तो मैं उन पे हंसती थी एक्चुअली, आप मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन टुडे आई एम सो हैप्पी कि मम्मी ने जो मेरे लिए विजन बनाया था आज मैंने उसको पूरा भी कराया और मम्मी के हाथ में मैंने अपना ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल दे के। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं उसको बेटर कर सकूँ रियो में 2016 में और बेटर मेडल लेके आ सकूँ। आप जरूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। पर ये बड़ी अच्छी बात है भाई, बचपन में इन सब चीजों की नॉलेज होती थी इनको, अगर इनकी मम्मी बोलती थी कि आप ओलंपिक में मेडल लेके आएंगी। लेकिन मुझे बहुत थप्पड़ खाने पड़े उसके लिए। क्यों? मैं एक्चुअली जब उसी टाइम पे मैं नेशनल्स खेलने जा रही थी तो क्या हुआ, सब मेरे फ्रेंड्स बैठे थे और मैं जीते जीते एक मैच हार गई अंडर 13 का। तो मैं जैसे ही कोर्ट से बाहर जा रही थी तो मेरी मम्मी वहां पे आके खड़ी होती है और बोलती है कि बहुत अच्छा खेला और एक खींच के एक थप्पड़ मारा सबके सामने। It was, मतलब मैंने एक स्पोर्टिंग वे में लिया। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेला, खटाक। सब मेरे फ्रेंड्स हंस रहे थे मुझे देख के और आई वाज लाइक तुम देखो एक दिन मैं करके दिखाऊंगी, अचीव करके दिखाऊंगी। लेकिन सब एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। वो एक चाटे ने आज मुझे यहाँ पे लाया तो मैं वो 1000 चाटे खाने को तैयार हूँ। पाजी, उम्र 24 की और जिस हिसाब से इन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं, टूर्नामेंट्स जीते हैं, ऊपर से इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, ऊपर से आप कॉमेडी नाइट्स में भी आ गई। जिस स्पीड से साइना आगे बढ़ रही है ना, मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में ना इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल जाएगा। अच्छा, आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख डाली। नॉर्मली ये चीजें होती बारी 60-70 की उम्र में या 80 की उम्र में लोग लिखते हैं। आपने सब कुछ अभी भी कर डाला, क्या मतलब सब कुछ खत्म करके फटाफट विश्व भ्रमण पे जाना चाहती हैं आप? नहीं, मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आना चाहती थी। अरे बहुत ही सर, आई थिंक ऑटोबायोग्राफी तो 2 साल पहले लिखी गई थी मेरे पे, लेकिन मुझे उस टाइम भी ये लगा कि क्या मुझे ये लिखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आई थिंक आई कैन प्ले 2 मोर ओलंपिक्स और काफ़ी और अचीवमेंट्स लेके आ सकती हूँ। आई थिंक इट्स अ गुड लेसन
काफ़ी हद तक बच्चों ने सबने पढ़ा है मेरा बुक और आज देखते हैं कि इतने सारे लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन और इतने सारे लोग सायना नेहवाल बनना चाहते हैं तो आई फील सो प्राउड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझसे कुछ सीखा एंड आई होप इन द फ्यूचर वी हैव मेनी मोर बैडमिंटन चैंपियंस एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू सायना. जैसे ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी भी है तो इन्होंने इतना कुछ अचीव किया भी है कि इतनी मोटी बुक बन गई इनकी 24 साल की उम्र में ही तो इनका बनता भी है. और अगर 20-25 साल बाद लिखती हैं तो शायद 8-10 किताबें छापनी पड़ती. जैसे ये मेरी दादी है इतनी बूढ़ी हो चुकी है उनकी अगर मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूं खींच खांच के 12 पेज से ऊपर नहीं होगी. हाँ सीधी सी बात है. 12 पेज में 6 पेज दारू पे होंगे. 6 पेज दारू के 4 पेज गैस के 2 हैंगओवर के बस खत्म. पर वैसे पाजी आप भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे ना आपकी भी 3-4-6 किताबें बनेंगी कम से कम. एक आपकी क्रिकेट की हाँ. दूसरी कमेंट्री की हाँ. फिर आपकी टीवी शोज की हाँ. फिर आपकी मोटी सारी किताब शेरो शायरी की और जो शेरो शायरी पे वाह वाह मिली आपको उसकी अलग से 5-6 किताबें. अच्छा सायना ऐसा तो नहीं आपने बड़ी छोटी उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया तो आपने वो सारी चीजें मिस की जो छोटी बच्चियां अक्सर करती हैं बाजी गुड्डे गुड़िया का खेल खेल लिया या है ना छुपन छुपाई खेल लिया वो सब चीजें तो फिर आपने मिस कर दी होंगी. ऑब्वियसली काफी मुश्किलों से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ. काफी स्ट्रगल किया है लाइफ में. पापा ने ऑलमोस्ट काफी लोन्स भी लिए उस टाइम पे मेरे को मेरे लिए रैकेट खरीदने के लिए मेरे शूज़ खरीदने के लिए किट बैग लेने के लिए एंड एवरी डे 25 किलोमीटर्स ऑटो में ऊपर नीचे करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा रहता था. लेकिन आज जब मैं देखती हूँ वो सब चीज़ों को पापा बोलते हैं आज तो तूने सब कुछ कमा लिया. मैं बहुत खुश हूँ तूने जो किया है लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सर कैसा लगता है आपको पूरे देश को आपकी बेटी के ऊपर गर्व है. ये सब कुदरती देन है जी. इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास में. मैं एक हरियाणा का रहने वाला हैदराबाद में कैसे पहुंचा ये भी कुदरती देन है जी. उसके बाद साइना को मैं एक रोज एलबी स्टेडियम में ले जाकर ये कहना कि तुम बैडमिंटन खेलो ये सब कुदरती देन है. और मेरे को ये रह रहे के बार बार मेरे दिमाग में आता है कि इंसान क्या नहीं कर सकता. एक कृषि वैज्ञानिक की पुत्री एक बैडमिंटन प्लेयर बन सकती है. हरियाणा के खेत से खेलने वाली बच्ची एक हिंदुस्तान का नाम बैडमिंटन में रोशन कर सकती है. तो ये मेरे मित्र जो बैठे हैं उनके बच्चे बच्चियां क्या नहीं कर सकते सब कुछ संभव है. अरे वाह क्या बात है. किसी भी स्पोर्ट में विस्तार जरूरी और उसके लिए रोल मॉडल जरूरी. छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्ले में उन्हें कोई हीरो चाहिए और मुझे लगता है कि क्रिकेट में बहुत हीरो हैं लेकिन अगर आप टेनिस जगत में देखें और बैडमिंटन जगत में देखें तो ये जो दो हीरो हैं ना सायना और सानिया इनकी वजह से टेनिस और बैडमिंटन विस्तृत हुआ है फैला है. बिल्कुल. और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मुझे सायना बनना है मुझे सानिया बनना है. ये बहुत बड़ी बात ये सबसे बड़ी बात. अच्छा भाजी आपने सानिया का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक ऐसे क्वेश्चन आया जब सानिया और आपका नाम लिया जाता है हालांकि दोनों का फील्ड अलग है वो टेनिस खेलती हैं बैडमिंटन खेलती हैं तो नाम को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं होता लोगों को. बहुत होता है. और जब मैंने खेलना शुरू किया था उस टाइम पे वो ऑलरेडी एक बड़ी प्लेयर बन चुकी थी तो मैंने छोटा सा टूर्नामेंट जीता था तो मेरा आर्टिकल आया लेकिन उनका फोटो आ गया उधर. ये होता ही है क्योंकि बहुत कम फर्क है लेकिन हुनर में कोई फर्क नहीं. दोनों का हुनर टॉप पे है एकदम. दोनों अच्छा कर रहे हैं. सर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है किसी ने कहा अरे वो देखो सानिया के पापा जा रहे हैं ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ सर. मेरे साथ बहुत प्यारा वाकया हुआ. मैं दिल्ली से हैदराबाद सफर कर रहा था हवाई जहाज में तो शायद पिछले वाले व्यक्तियों ने ये नहीं देखा भाई ये उनके पापा हैं. अच्छा. तो जब हम एयरपोर्ट पे उतर के बाहर निकल रहे थे तो एक बहुत ही इच्छुक व्यक्ति और मेरे से कहते हैं साहब अपना पेन देंगे आप ये मुझे सानिया का ऑटोग्राफ लेना है. तो मैंने निकाल के पेन उनको ऑलमोस्ट दे दिया था. मैं कहा भाई साहब वापस कर दे. कहना क्या 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 सर क्या मैं तो उनका सानिया. अरे सानिया नहीं है बाबा यहाँ जब तुम नाम का ही नहीं पता तो पेन नहीं देता मैं. तो ये मेरे साथ हुआ. शुक्रिया सर इतने मजेदार किस्सा शेयर करने के लिए. सायना से हम ढेर सारी बातें और भी करेंगे. सायना आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए. मेरे मन में क्वेश्चन है
पर जब क्रिकेट में मैच होता है तो एक दूसरे में स्लेजिंग बड़ी होती है, टॉन्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ये बैडमिंटन के मैच में भी ऐसा होता है? आई थिंक इट्स ऑल हेल्दी कॉम्पिटिशन. ऐसा कभी किसी ने मुझे कुछ बुरा, या लड़कियों में इतना कुछ बुरा किसी के अगेंस्ट कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ लड़के. ऐसे मन में आया, मैंने कहा लड़कियां वैसे तो इतनी सारी बातें करती है, जब बैठी होती दो लड़कियां तो पूरी दुनिया भूल जाती है. हो सकता कभी ऐसे हो, शटल गिरा हो, सामने लगा रहे तेरा शटल गिर गया, तू अपनी स्कर्ट देख चल. नहीं, पर लड़कियां गप्पे भी बहुत मारती हैं. वही तो मैं बात कर रहा हूं. मैं दसवीं में था तो हमारी एक ना क्लासमेट थी, तो ना ही किसा को छेड़ के बैठ जाती. पता है नवजोत, कल रात हमारे घर में चोर आ गए, मेरे दादाजी इतनी बुरी गन लेके निकले, देखा तो कुत्ता ही था. क्या हुआ? हर रोज नया शोशा छोड़ देते. हंस लो पर ताली ठोको. तो आप टूर्नामेंट्स खेलने पूरे वर्ल्ड में जाती हैं, तो कभी कोई बेस्ट फ्रेंड बनी है आपकी, कोई विदेशी खिलाड़ी? विदेशी खिलाड़ी तो नहीं, सब अपोनेंट्स ही हैं. मैं होता तो मैं बहुत दोस्ती करता. इंडिया में आपके जो भी जहां पे भी रहती है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं खेलती तो ज्यादा हूँ, तो इतना फ्रेंड्स लिस्ट कम है मेरा. वरना मैं काफ़ी ऐसी लड़की हूँ जो काफ़ी शाई और चुपचाप रहती हूँ ज़्यादा, इतना बस आर्ग्यूमेंट बहुत करती हूँ. लेकिन हर एक चीज़ आर्ग्यूमेंट करती हैं आप? आर्ग्यूमेंट किस मतलब बातों को लेकर? कोई भी मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन हूँ. अच्छा जी, वो कौन एक्टर आपको अच्छा लगता है? शाहरुख खान. मुझे 3 बार उनसे मिलने का मौका मिला था, शाहरुख सर से, लेकिन हर एक बार पापा ही गए अवार्ड लेने के लिए. और तो जब भी टूर्नामेंट्स में होता है, आधे दो ग्रुप बन जाते हैं, आधे शाहरुख के फैंस रहते हैं, आधे आमिर सर के फैन रहते हैं. तो मैं ऐसी हूँ, जब हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं आमिर सर बेटर है इन चीज़ों में, नहीं शाहरुख सर बेटर है इन चीज़ों में. तो फाइनली मैं उनको कन्विंस ही करवा देती हूँ, नहीं शाहरुख सर ही बेटर है. तो अब आधे से ज़्यादा मुझे पसंद दोनों है. आई लाइक बोथ ऑफ देम, लेकिन ज्यादा मतलब उनकी तरफ मेरा. समझ गया जी, समझ गया. साइना, आपकी मम्मी का ये मानना है कि आपकी स्माइल जो है वो शाहिद कपूर से मिलती है. तो आपको भी ये लगता है? नहीं, एक आई थिंक वो बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक्चुअली बॉयकॉट था 2001 या 2000 में, तो उस टाइम पे मम्मी मुझे आई डोंट नो व्हाई उनके नाम से बुलाती थी. मैंने कहा क्या बोल रहे हो यार आप. उनके नाम से बुलाती थी कैसे? नहीं मतलब ऐसे ही, मुझे पता नहीं, मे बी शी यूज्ड टू लाइक हिम. उनका फेवरेट हीरो है वो. अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप बचपन में हंसती नहीं थी और आपके मम्मी पापा जो बड़े वरिड थे कि हंसती नहीं है, तो हंसी सारी कॉमेडी नाइट्स के लिए बचा के रखी थी आपने. सच्ची में नहीं हंसती थी आप? नहीं सर, बहुत सीरियस थी मैं, एकदम चुपचाप एक कोने में जाके बैठना और खेलना, वापस घर में आ जाना. चलिए, अगर बचपन में आप थोड़ा कम हंसती थी तो उसका कोटा जो है अब हम पूरा कर देते हैं. मैं अपनी ऑडियंस को चैलेंज देता हूं कि कौन है जो साइना को हंसा सके खुल के. सो सबसे पहले कौन आना चाहता है साइना को हंसाने के लिए, कौन चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? तू खाया पिया कर थोड़ा सा यार. छोटा सा. हेलो कपिल सर. हेलो साइना मैम. सर, तो अगर ये सॉस है तो ये क्या है? ये बोन लेग पीस. ये सॉस है? सोया सॉस. सोया सॉस. वेरी नाइस. अगर ये पान है तो ये क्या है? तो ये क्या है? जापान. अरे मैंने कहा साना को हंसाओ, आपने तो हमें सोचने पे मजबूर कर दिया. पर इंटरेस्टिंग था, मजेदार चीज थी. एक और जोक सर. एक और. दो दोस्त आम के पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे, तो अचानक से बीच में एक आम गिरता है. तो पहला दोस्त बोलता है अरे ये आम कैसे गिरा? तो आम बोलता है अरे यार तुम्हारी बातें सुन के पक गया. आपको लगता है जो दोस्त नीचे बैठे थे दोनों में से, उन दोनों में से एक दोस्त आप है और वो आम मैं हूं?
क्या करते हैं आप? पकाते हैं। मैं क्या 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 करते हैं? मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। अभी तो आप बहुत छोटे उम्र में। थैंक यू सो मच। हाँ, जब भी मत डाला टूट जाएगा। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। ओ, बटर चिकन। सर, आज आज बेस्ट जोक्स आपको जाते हैं सर। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो सायना मैम, मैं सुरेंद्र प्रसाद हूँ। मैं जोक्स तो नहीं, जस्ट एक शायरी से लोगों को हंसाना चाहता हूँ। जी सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम। जब से बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है। बटर चिकन। जब से बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है, मैंने सर को भी नजरों की तरह झुका रखा है। वाह। पी जाता हूँ उनकी मार की तलखी को भी है कपिल जी। बेचारे। क्योंकि बीबी की मार में भी कुदरत ने जन्नत का मजा रखा है। आपने ये आपने खुद लिखा है ये शेर के कहीं से सुना था आपने? थोड़ा खुद लिखा, थोड़ा कहीं से चुराया सर। जस्ट इस मिक्स। तो जो बीवी की मार वाला था वो आपने खुद लिखा होगा? यस। उसके बाद वाला आपने। पर आपने बड़ा मजेदार शेर सुनाया सर। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। शर्मा जी, कितना अजीब इत्तेफाक है, जिसके पति का नाम शर्मा है उसकी बीवी बेशर्म होकर हर जगह घुस जाती है। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाय सायना, हाउ आर यू? वेरी नाइस मीट यू। वेलकम ऑन द शो। झूठ बोल रही है, टीवी के आपको तो पता ही है। टीवी की बात कर रही है, इसको दो हफ्ते पहले पता चला टीवी होता क्या है। पता है मेरे को? मेरे को पता क्या कहती? कहती जब घर में राजू है कपड़े धोने के लिए टीवी की क्या जरूरत है। मेरे माइकी में बहुत सालों से दो दो टीवी है। ओके जान, मेरे को पागल मत बना, मेरे को पता नहीं है इन्होंने क्या किया। सायना, अपने घर में ना फालतू में टीवी है नहीं, वैसे दो एंटीना लगा रखे हैं। लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे घर में टीवी है। जब कोई चार मेहमान आते ना बाहर बैठा लेते, इसका भाई फालतू में चढ़ जाएगा ऊपर, ऐसे घुमाता रहेगा। आई साफ। शर्मा जी, देखिए कम से कम मेरे फेवरेट प्लेयर के सामने तो कुछ मेरे बारे में सोच समझ कर बोलिए। वैसे आपको पता नहीं पाजी, लेकिन जब मैं छोटी थी मैं हमेशा चाहती थी कि बड़ी होकर मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। ओ, तो अब चली जा। अब कौन सा बड़ी हो गई, सिर्फ होटी बड़े हुए। अभी बच्चों वाली बातें करती है, दिमाग से 8 साल की है। मैंने इसे परसों पूछा, मैंने कहा भारत का प्रधानमंत्री कौन है? कहती इंडिया गांधी। शर्मा जी, मैं गेम्स में बहुत ज्यादा अच्छी थी। अगर आज भी पाजी खेलती तो आई एम श्योर मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लाती। ओ माँ, तेरी सारी उम्र पीतल की बालियां पहन के घूमती रही। ये ओलंपिक में गोल्ड लाएगी, ये तो धनतेरस में गोल्ड खरीदने जाए, ज्वेलर की दुकान से नहीं गोल्ड मिलता इनको। इन्हीं बातों से मैं डिस्करेज हो जाती हूँ। वैसे वो क्या है ना, एक्चुअली मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, वरना पापा जिस हिसाब से मुझे सपोर्ट करते थे, आई एम श्योर मेरा स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करियर बन ही जाता। वो क्या, वो क्या? अरे पापा ने नई फोर व्हीलर ली। ससुर जी, आप बेइज्जती करवाते रहते हो, जब खुद चल सकते हो तो ये गाड़ी क्यों रखी आपने? इसका फायदा बहुत है। क्या फायदा है इसका? इसमें सोचना नहीं पड़ता कि जाए कहाँ, जहाँ ढलान होती है अपने आप वहीं चली जाती है। बेस्ट है। पापा कैसी बातों में लगे, देखो हमारे घर में कौन आए, सायना नेहवाल आई है। अरे वाह वाह वाह। सायना भाई, बड़े दिनों से मेरा बैडमिंटन खेलने का मन कर रहा था, बेटी कमा गई, अच्छा हो गया, आज होगा देखना टक्कर का मुकाबला। मेरे साथ का टक्कर करने, दीवार में टक्कर मारो, हमें आपको आईसीयू में देखने का मौका मिले। शर्मा जी, जी कैसे बात कर रहे हैं पापा से? बिहेव योरसेल्फ, ओके? वैसे पापा, मैं सायना को बता रही थी कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते थे स्पोर्ट्स में। पर मैं हाँ,
मैं सपोर्ट करता था, मैं इसको बताता था हमेशा कि बेटा देखो रनिंग करो, रनिंग में बहुत पैसा है। क्या बात कर रहे हो ससुर जी, पैसे ज्यादा क्रिकेट में होते हैं। नहीं, क्रिकेट में सिर्फ पैसा है, लेकिन रनिंग में गोल्ड है, किसी की चेन खींच के भागो गोल्ड मिलता है। लेकिन पापा आपने तो छोटे वाले भाई को भाल फेंकना सिखाया था। भाला फेंकना सिखाया वो, इतना इसका भाई कुपोषण का शिकार है वो। भाला फेंका, भाला के साथ खुद भी निकल लिया वो। बच्चे हैं ऐसा ऐसा चीची उंगली जैसा भाई है, पुलिस ने पकड़ के अंदर किया, सरियों के बीच में से निकल गया। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसको बहुत सारी मछलियाँ पकड़ पकड़ के खिलाई है, तो अब वो अच्छा खासा मोटा हो गया है। घर के आसपास नदी है, नाले के आसपास तुम रहते हो, मछलियाँ कहाँ से पकड़ी? ये पता है? ये मछली पकड़ने की केकड़े ने इसको पकड़ लिया था, हमारी खोई हुई बेटी वापिस आ गई। अब एक काम करते, यहाँ से चलते, हमारा यहाँ कोई फायदा नहीं। नहीं बेटा, सेना आई हुई है, पहली बार आई है, हो सकता है 200-400 रुपए दे दें हमको। वो क्यों देगी आपको पैसे? अरे भाई शर्त लगेगी ना, बैडमिंटन का मैच होगा, जो जीतेगा उसको 200-400 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है बेटी, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, यहाँ घाघ लोगों का मुकाबला होने वाला है, और ये बटन रखो अंदर, शर्ट कभी हम लोग इसके साथ टांग देंगे बाद में। बैडमिंटन है, चलो खेलते हैं, आ जाओ। बैडमिंटन कहाँ है? अरे बैडमिंटन होगा ना तुम्हारे घर में यार, क्या बैडमिंटन नहीं है? देखो ये नेट तो है। इसमें पेट्रोल भी नहीं लगता बेटा। ओ आ गया ला, ये लो ला, दो भाई दो। ये मैं अपने लिए लेके आया था, कोई बात नहीं, ये पकड़ो, इसका बटन किधर है? बटन मच्छर मारते हैं इसे। उठानी पड़ती है, बहुत ताम झाम, क्यों टाइम वेस्ट करना ब्लैंक शॉट। चलो वो गिर गया। स्कोर क्या है? स्कोर का बेटा ऐसे जो मर्जी सोचो वही तुम्हारा स्कोर है, जो तुम बोलो। अच्छा तो मैं, मेरा मैच पॉइंट कितना? मैच पॉइंट कितना? 20। मेरा 21, मैं जीत गया बेटा। अरे पर्स कहाँ है मेरा? तुम्हारा पर्स, पर्स, पर्स तो 400 रुपए, 400 रुपए पापा। अरे 400 रुपए के लिए पापा, प्योर गोल्ड। सदुजी आपको पता है उनके पापा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा इंजेक्शन इन्वेंट किया ना, वो आपको लगाएंगे, आप सुअर बन जाएंगे। नहीं, मेरे सुई से बॉटल लगते सुअर की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सुई से बॉटल लगता है। एक काम करो, पैसे वैसे छोड़ो बेटे, डांस कर लो मेरे साथ थोड़ी देर, घर पे आई हो, डांस वांस होना चाहिए, खुशी का माहौल। क्यों भाई बजाओ फिर। अंकल ये पागल आदमी है, इनके साथ आप कहाँ चले गए? कभी भी आपको हेलो करें हाथ भी नहीं बढ़ाना, ये कंगन उतार लेंगे। साइना प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने उनको बुलाया भी नहीं, मैं आपको आपके फैन से मिलवाता हूँ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप एक एक करके साइना से बात कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहा है? मेरे चीक्स दर्द हो रहे हैं। जी 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 भाई साहब। हो साइना जी, एक्चुअली कभी मैंने स्पोर्ट खेला नहीं है लाइफ में, इवन मैंने कैरम बोर्ड ये भी नहीं। पर जी, 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 अभी खेल रहे हैं ना, आपने स्पोर्ट खेला नहीं है क्या? डमरू क्या बजा रहे हो भाई? ये मैडम मैं आपको एक प्रपोज करना चाहता हूँ। हाँ जी, प्रपोज करना चाहता हूँ। हाँ? और पापा को खुश करना चाहता हूँ। वो पापा बैठे हैं सामने, दुनाई करेंगे बहुत जोर से। नहीं मुझे आपका सवाल नहीं समझ में, मैंने कभी जिंदगी में कोई स्पोर्ट खेला नहीं, और मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ।
साइना को प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए? हाँ हाँ। अच्छा, मेला प्रशांत नाइक नाम है जी। प्रशांत, मैडम को गाना गा के इम्प्रेस करना चाहता हूँ। अच्छा। सर को थोड़ा डांस करके गाना गा के। सोनू निगम है आप? चलिए ओके। तुम पहले अपना हाथ तो कंट्रोल करो। नहीं नहीं, ये आप गाते गाते भी ऐसे होते ना, हमें तो उनसे प्यार कितना मिल रहा है, हमारे पेट में गैस कितना। आपको इनका गाना पसंद आया? बहुत पसंद आया। आपने कोई मूवमेंट किया कुछ हीरो की तरह, कुछ वैसा करके बताइए ना आप। हाँ। कोई रोमांटिक सॉन्ग? मजा आ गया आपका डांस देख के। जो भी कर रहे थे कर बड़ा मजेदार। सर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर बोल रहे, सॉरी मान गए। नहीं नहीं, पर अभी मेरे को पता क्या बोली थी, जब आपने वो वाला स्टेप किया ना उधर मुंह करके, मेरे को कह रही थी पुलिस बुलाओ पुलिस। पर शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत मजा आया आपका परफॉर्मेंस देख के। थैंक यू सो मच। ले जाइए ले जाइए जी। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मैम, आई वॉन्टेड टू आस्क यू, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप किस बॉलीवुड एक्टर या स्पोर्ट्स पर्सन के साथ डेट पे जाना चाहेंगे? मैंने ऋतिक रोशन की बैंग बैंग देखी है। ऋतिक रोशन। आपको अगर किसी के साथ डेट पे जाना हो, आप किसके साथ जाएंगी? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर? पर रणबीर कपूर तो ऑलरेडी थोड़े हैं, तुम्हें बिजी हैं। सर आप फ्री हैं? यस यस यस। मैं पता क्या हूं भैया, पिज्जा है नहीं है, पास्ता है नहीं है, चलो भटूरे दे दो। मेरा वो हिसाब हो गया, पहले रणबीर कपूर नहीं है तो फिर आप फ्री हैं? मैं नहीं फ्री हूं, आई हैव माई डिग्निटी प्लीज। फ्री मैं, टोटली फ्री। जी और कोई हमारे दोस्त? जो जी मैडम। हेलो कपिल सर। हाय। हेलो मैम। मैम, वी आर ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सर। मैम, आपने हमारे देश के लिए जो अचीव किया है उसके लिए हम कितने भी सैल्यूट करें वो कम है, फिर भी आज हम सबकी तरफ से आपको सैल्यूट है। अरे वाह। थैंक यू। वेल डन। मैम, आपको तो पता ही है कपिल सर तो ऑलराउंडर है, एज वो हमेशा कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी क्रैश कोर्स किया हुआ है बैडमिंटन के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए। हाँ। तो आज देख ही ले कि हम भी बैडमिंटन खेलते हैं, मेरे हस्बैंड साथ आए हैं। आप दोनों का कॉम्पिटिशन हो जाए। हाँ, कॉम्पिटिशन हो जाए बस। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हाल है सर? हाउ आर यू मैम? नाइस मीटिंग यू मैम। कितने साल हुए आपकी शादी को? मेरी शादी को 16 इयर्स हुए। आपकी भी? ये लीजिए सर। तो डबल्स में हम खेलने जा रहे हैं मैच, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है ये, आपको कभी वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेगा ये। आपको के साथ हूं एक्चुअली। हां जी, मैम और मैं एक टीम में। तो सीधा ही हमें गोली मार दो फिर, हम तो हारेंगे। साइना नेहवाल आपकी तरफ से खेलेगी तो आप तो जीतोगे एक पॉइंट। मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूं, मैं आपके साथ आ जाऊं? आप अपने हस्बैंड को पूछ लीजिए अगर वो कंफर्टेबल है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। मैं कुछ देर के लिए बला टलेंगे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं। ये लीजिए मैडम, ये आपके लिए। आई एम रेडी टू रॉक। वो बिना शटल के खेलते अच्छा है, उसमें हारता भी नहीं आदमी। शटल प्लीज। बिना शटल के बेइज्जती होने का चांस नहीं है। क्या मैंने साइना नेहवाल को हराया अभी?
आपने गलत शॉट मारा. नहीं मारा, आउट मार दिया. नहीं नहीं, आप पहले शादीशुदा, आपको और तंग नहीं करना. चलिए, बड़ा मजा आपके साथ खेल के. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. जी, और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं साइना से? जी मैम. नमस्कार सीतू जी. नमस्कार. हेलो साइना मैम. मैम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड माई क्वेश्चन इज कि भारतीय नारी चाहे कितने भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, जैसे कि पायलट हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, लेकिन जब उनके रिश्ते की बात आती है तो उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि क्या उनको घर के काम आते हैं, लाइक कपड़ा धोना या फिर खाना पकाना. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या जानती है इसके बारे में, आपको कुछ आता है या नहीं? अरे आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मेरी माँ को सब कुछ आता है. अच्छा, वैसे जनरल नॉलेज के लिए उन्होंने पूछ लिया वैसे. हालांकि मेरे घर में जरूरत नहीं, मेरी मम्मी को सब आता है. मैं यही क्वेश्चन अपनी मम्मी से पूछती हूँ. वो बोलती हैं कि क्यों, मतलब एक भारतीय नारी को सिर्फ यही क्यों चाहिए? हाँ. क्यों नहीं कि आप एक अच्छे कुछ बन के दिखाए और कुछ अच्छा कर सके अपने करियर और में देश के लिए? वो आलू गोभी पकाए के देश के लिए गोल्ड मेडल लाए. बता, गोल्ड मेडल. देखिए, अभी तक तो मैंने सीखा नहीं. मम्मी किचन में एंटर होने नहीं देती, कुछ करने नहीं देती है, सिर्फ खेलना आता है. बाद में जब मैं करूंगी तो आपको आई लेट यू नो. चलिए, बड़ा मजेदार आपने सवाल पूछा. थैंक यू सो मच मैम. शो में थैंक यू. और तेरी दादी फिजियोथेरेपिस्ट बन गई. तो इलाज कराने आए तुम लोग? इलाज करवाने नहीं आए, इलाज करवाने जा रहे हैं. बाहर दो के हाथ तोड़ दिए, तीन के कान तोड़ दिए और एक बंदे का तो हाथ पीछे ऐसे मोड़ा, आगे ही नहीं आ रहा है. बेचारा हाथ कैसे धोएगा? हाथ नहीं धोएगा तो फायदा कितना, पीछे रहता तो कितना कुछ धो सकता है वो. जैसी दादी वैसा पोता. बेचारा हट. बाय सैनिक. बाय सैनिक. बकवास कर रहे हैं, मेरी दादी पे इल्जाम लगा रहे हैं. मेरी दादी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती. यही ये क्या, ये क्या कच्ची पीनी शुरू कर दी आजकल? चुप कर. ये अल्कोहल नहीं है, ये चिपकली का तेल है. चिपकली का तेल. चिपकली. सायना. दादी. उठ मत, उठ मत. कैसी हो? कितनी ऊपर वाले तुझे पूरी नजर से बचा है. और ये देखो सिद्धू जी, प्रोडक्ट बना के नहीं, खिलाड़ी आ गए लेने के लिए. कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ. चल बैठ के बात करेंगे. दादी, तेरा तेल क्यों लेगी साइना? ऐसा क्या है इस तेल में? अरे क्या नहीं है. उससे पहले मैं तुझे एक बात बता दूं, तू ना मुझे फिजियोथेरेपिस्ट रख ले. सच्ची कह रही हूँ. हाँ, जो भी टफ मैच होगा ना, उससे पहले ये तेल लगा लेंगे, उसके बाद जीत पक्की. ऐसा क्या है इस तेल में? क्या नहीं है. चोट लगी लगा लो, नहीं लगी तो इसमें भजिए भी तल सकते. सच्ची कह रही हूँ. कोलेस्ट्रॉल जीरो है इसमें. और एक बोतल की कीमत सिर्फ 800 रुपए. इतनी महंगी बॉटल महंगी है, तेल तो 30 रुपए की है. वो भी तुझे मैं 50% डिस्काउंट दे दूंगी, लेकिन चिपकली तुझे पकड़नी पड़ेगी. सोच क्या रही है पगली? ले 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 ले. मुझे को लग रहा है तेरा फालतू सा तेल लेके घूम रही. क्या फालतू फालतू कर रहा है तू जब से? मुझे पकड़
इसीलिए मैं कह रही हूँ ये तो नादान है, इसे क्या पता, इसे डजंट नो स्पोर्ट्स एट ऑल. तू तू इसको एक बार ट्राई कर ले और यकीन मान उसके बाद तू मैच खेलेगी ना 15-20 गोल तार देगी तू. दादी बैडमिंटन में गोल नहीं होते, तेरे से नहीं होगा, ये बड़ी प्लेयर है, इससे सब कुछ होगा. चिपकली तेल, चिपकली नहीं, चिपकली तो ये चिपकली, चिपकली चिपकली तेल, चिपकली तेल, चिपकली तेल ले लिए ना. हाँ या किसी से पूछ ले तुझे. नहीं पापा से पूछना पड़ेगा लेकिन मैं मना लूंगी. पापा के साथ आई, अंकल भी आए. कहाँ है अंकल? एक मिनट दादी, तेरे अंकल कैसे हो गए? कैसे हो गए मतलब? इनकी बेटी 24 की, मेरी 22 की, तो हो गए ना मेरे अंकल. आप मत उठो, आप मत उठो. हाय हाय हाय, धन्य है वो बाप जिसने साइना को जन्म दिया. बहुत बहुत गुणी बेटी है आपकी. पद्मश्री जीती, ये वो क्या क्या नहीं जीतती है, इस बात पे शगुन की पप्पी तो बनती है. क्या बोलते हो छाबू क्या? अपना ये लोकल तेल तू इंटरनेशनल प्लेयर के पापा भी यूज करेगी क्या? क्या लोकल 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 कर रहा है तू? मैं इंटरनेशनल हूँ, तुझे पता है विंबलडन चैंपियन मेरे पास है, सेरिना विलियम्स. मिलना चलेगा? कहाँ है? बुलाती हूँ. ए सेरिना, मेरी मम्मी ने आज इतना सारा पोहा बनाया, मैं सारा पोहा खाया. ये झूठ बोल रही है. आंद्रे अगासी, अगासी अगासी आया सी पर मिला नहीं सी. सरीना मेरे को तो लग नहीं रही है सरीना, आपको क्या लगता है ये है? मुझे भी नहीं लगता है. आप अगर सरीना है तो वीनस विलियम्स किधर है? कौन सी नस? वीनस. वीनस वी मेरी हाँ मेरी वीनस में थोड़ा दर्द हो रहा है दादी. पुट सम तेल एंड डू वाइस. एक बार बता, अगर तू सरीना है तो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती है? जब साइना इधर इंडिया की हो के इतना अच्छा इंग्लिश बोल सकती है तो मैं हिंदी क्यों नहीं बोल सकती? मुझे तो हिंदी में शेर भी आता है. अगर आप लोग चाहे तो मैं एक शेर अर्ज कर सकती हूँ. खड़गाओ खड़गाओ. अर्ज किया है, धंधे के आगे झाड़ू लगा के निकालते हैं जाली. वाह वाह, कहते हैं हमको प्यार से. डांस करते करते हाथ में हाथ में थोड़ी सी मोच आ गई है दादी. कैन यू प्लीज पुट सम तेल एंड डू बालिस. ए इसका तो कलर उतर रहा है. पलक तू ये तो पलक है. मैं पहले समझ गया सरीना भालू की तरह नाच ही नहीं सकती. ये तू क्या कर रही थी? वो ये सारा दादी का प्लान था. उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर वो साइना की सिंजियोफेरिसिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट अगर बन जाएंगी तो फिर वो उनको जो सैलरी मिलेगी उसका आधा वो मुझे मुझे दे देंगी. तो बस 300 रुपए के लालच में मैंने ये सब किया. सॉरी. सॉरी सॉरी साइना, आप बैठ जाइए. निकल कर कौन रहा है? निकल गया हैया. सो देश की इस महान खिलाड़ी को मिलके मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना हमें यहाँ पे. और मैं अपने दर्शकों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि जिनके घर में भी बेटियां हैं, हर एक बेटी में एक साइना छुपी हुई है. जरूरत है उसको खोजने की और उसको इनकरेज करने की, जैसे
साइना के माँ बाप ने किया और आपकी बेटी भी कल को साइना जैसी बनके हमारे देश का नाम रोशन कर सकती है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। For updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.